हेलो प्यारे बच्चों और प्रिय मित्र भाइयों व बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी जिसका कोई छोर ज्ञात नहीं है और जिसमें अरबों की संख्या में, दैट इज इन बिलियंस गैलेक्सीज, अर्थात आकाशगंगाएं यानी मंदाकिनियां शामिल हैं, उन अरबों मंदाकिनियों आकाशगंगाओं में से एक मंदाकिनी यानी आकाशगंगा गैलेक्सी, जो हमारी अपनी होम गैलेक्सी है, हमारी अपनी गृह मंदाकिनी है, गृह आकाशगंगा है, और जिसे एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा मिल्की वे नाम दिया गया, उससे जुड़ी बातों और पहलुओं की मैं चर्चा करूंगा। और सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो होम गैलेक्सी है, जो गृह आकाशगंगा है, इसे किस आधार पर मिल्की वे नाम दिया गया है। तो मैं इस संबंध में आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारी जो अपनी गृह आकाश गंगा है, वास्तव में इस गृह आकाश गंगा के सेंटर से बेहद गर्म गैसों और धूलकण और अरबों तारों और उन तारों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिक्रमा करने वाले असंख्य आकाश पिंडों से निर्मित तमाम इसमें सर्पिलाकार भुजाएं हैं, और इन सर्पिलाकार भुजाओं में स्थित सभी आकाशीय पिंड हमारी गैलेक्सी के गुरुत्व के शक्तिशाली केंद्र के चारों ओर जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। इन सर्पिलाकार भुजाओं में एक सर्पिलाकार भुजा है जो अन्य भुजाओं से छोटी है और जिसे लोकल आर्म या लोकल भुजा कहते हैं, उसे ओरायन आर्म कहते हैं। ओरायन, ये देखिए छोटी सी भुजा है, इसको ओरायन नाम से जाना जाता है, ओरायन आर्म या ओरायन स्पर भी कहते हैं इसको। वास्तव में इस भुजा में ही ओरायन नाम का कॉन्स्टिलेशन स्थित है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आकाश में स्थित कुछ खास किस्म के तारे जो खास स्थिति में स्थित होते हैं, वो एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं। ऐसे जैसे यहां देख लीजिए आप, ये कुछ मैं तारे दिखा रहा हूं, इन तारों के सेंटर्स को मिलाते हुए तमाम तरह तरह की आकृतियां बनती हैं। इन्हीं विशेष आकृतियों को लिए हुए तारों के समूह को तारा समूह या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जैसे सप्तर्षि तारा समूह, ओरायन तारा समूह, सैजिटेरियस या धनु जिसको कहते हैं, तमाम तरह के तारा समूह नाम दिए गए प्राचीन खगोल विदों द्वारा। तो हमारा जो ओरायन नाम का तारा समूह है, जो कॉन्स्टिलेशन है, वो इसी सर्पिलाकार भुजा में स्थित है जिसमें हमारा सौर मंडल भी स्थित है। तो इसी के कारण इस भुजा को ओरायन भुजा या ओरायन आर्म कहते हैं, और इसी आर्म में हमारा सौर मंडल यानी हमारी पृथ्वी स्थित है। तो जब कभी भी इस ओरायन नाम की भुजा में स्थित पृथ्वी से हम किसी रात्रि को, जिस दिन रात अंधेरी हो और आसमान साफ हो, नजर डालते हैं, तो हमें केवल इसी भुजा का एक हिस्सा, इस भुजा का एक हिस्सा ही दिखाई दे सकता है। यानी संपूर्ण गैलेक्सी का व्यू हम पृथ्वी की सतह से देख नहीं सकते। उसका कारण यह है कि हम इस भुजा के भीतर स्थित हैं और इसमें स्थित रहते हुए ही हम देखते हैं। यही कारण है कि अन्य भुजाओं को तो हम देख ही नहीं सकते, केवल वह भुजा जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसे ओरायन आर्म कहते हैं, उसी के एक हिस्से को हम देख पाते हैं। और वो हिस्सा कुछ इस तरह के धुंधले बैंड यानी पट्टी की तरह दिखाई देता है, और इसमें आप देख सकते हैं जगह जगह मिल्की स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, दुधिया प्रकाशमान कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में प्रकाशमान तारों के प्रकाश का प्रभाव होता है जो इसे दुधिया दृश्य प्रदान करते हैं, मिल्की व्यू प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस लुक के आधार पर
मिल्की लुक, मिल्की व्यू के आधार पर खगोलविदों द्वारा, खगोल शास्त्रियों द्वारा मिल्की वे नाम दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो पिक्चर है, ये मिल्की वे के ओरायन भुजा का, उसमें आप देख सकते हैं यह वीनस यानी शुक्र नाम का ग्रह भी दिख रहा है। ये देखिए, ये वीनस और ये ओरायन भुजा का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी इसी भुजा में हमारा सौर मंडल स्थित है। अब हम अपनी होम गैलेक्सी यानी गृह आकाशगंगा से जुड़ी कुछ अन्य बातों की ओर आपको ले चलूंगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी होम गैलेक्सी में लगभग न्यूनतम 100 अरब से लेकर अधिकतम 400 अरब की संख्या में तारे, यानी ओरायन नाम की जो भुजा है, एक भुजा लोकल भुजा, उसमें जो है 100 नहीं, बिल्कुल पूरे ओरायन भुजा नहीं, पूरी गैलेक्सी में, पूरी गैलेक्सी यानी इसकी सभी भुजाओं को मिलाकर न्यूनतम 100 अरब से लेकर 400 अरब इसमें तारे हैं, और लगभग इतनी ही संख्या में जो है इसमें प्लैनेट्स यानी ग्रह भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे मिल्की वे जो दृश्य, मिल्की वे का जो आकार अभी तक उच्च क्षमता के दूरबीन या टेलीस्कोप की सहायता से इसका जो साइज अभी तक ज्ञात किया जा सका है, उसके अनुसार इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, यानी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो इसकी लंबाई है, वो लगभग 100 जो है 100 या 102 प्रकाश वर्ष के आसपास है। अब आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का एक बहुत बड़ा खगोलीय मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वास्तव में वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, और यह एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वह लगभग 9.46, लगभग 10 ही मान लीजिए, 9.46 ट्रिलियन का मतलब खरब किलोमीटर के आस पास होती है। तो एक प्रकाश वर्ष में इतने किलोमीटर यानी लगभग 10 खरब किलोमीटर होते हैं, और हमारी गैलेक्सी का जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक का जो डिटेक्टेबल जो व्यास है वो 100 से लेकर 102 प्रकाश वर्ष है। लेकिन जो मॉडर्न स्टडीज में और भी रहस्य खुलकर सामने आए, उसके अनुसार हमारी गैलेक्सी का व्यास जो है लगभग 200 प्रकाश वर्ष के आसपास है, क्योंकि कुछ इनडायरेक्ट जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं खगोल शास्त्री द्वारा, उनके अनुसार हमारी गैलेक्सी का जो टोटल द्रव्यमान है, हमारी गैलेक्सी में जो टोटल मैटर है, उसका केवल 10% हिस्सा ही डायरेक्टली डिटेक्टेबल है, यानी जो इसका आकार तय किया गया है खगोल शास्त्रियों द्वारा, इसमें लगभग हमारी गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का, टोटल मास का केवल 10% हिस्सा है, जो रेस्ट 90% जो मास है, रेस्ट यानी शेष 90% जो द्रव्यमान है वह जो है डार्क मैटर के रूप में है, यानी ऐसे मैटर यानी ऐसे पदार्थ के रूप में है जो डार्क में है, जिसके बारे में हमें डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मोटाई है गैलेक्सी की, ये लगभग जो है 10 प्रकाश वर्ष के आसपास है मोटाई, और इसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वह एक डिस्क के जैसी है, एक चक्र के जैसी चपटी, एक जैसे चपटा चक्र होता है, और बीच में ये उभरा हुआ होता है, बल्गिंग होता है बीच में, ये इसकी मोटाई ज्यादा है, और सेंटर से जैसे जैसे छोर की ओर आप आगे बढ़ेंगे इधर ये पतला होता जाता है, और ये डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तमाम सर्पिलाकार भुजाएं होती हैं, जो बेहद गर्म गैसों, धूल कण और अरबों तारों और उन तारों की
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिक्रमा करने वाले तमाम आकाशीय पिंडों से युक्त है या निर्मित है। अब मैं आपको अपनी इस गैलेक्सी के कुछ आउटस्कर्ट्स यानी इसका जो बाहरी हिस्सा है, इसके बाहर का जो आसपास का जो वातावरण है एटमॉस्फेयर, उसकी चर्चा करूंगा। तमाम उच्च क्षमता के टेलीस्कोप्स की सहायता से यह ज्ञात किया गया है कि हमारी अपनी गैलेक्सी होम गैलेक्सी यानी मिल्की वे के आसपास का जो निकट का जो वातावरण है उसमें हजारों जो है लाखों की संख्या में छोटी छोटी गैलेक्सीज भी हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है खगोल शास्त्रियों द्वारा डिटेक्ट की गई है, पहचानी गई है। और ये गैलेक्सीज जो है उपग्रहों की तरह, ठीक जिस तरह से हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट मून यानी चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, उसी तरह से ये छोटी छोटी गैलेक्सीज जो है हमारी होम गैलेक्सीज की ये सैटेलाइट की तरह परिक्रमा करती रहती हैं। इसलिए इनको सैटेलाइट गैलेक्सीज कहा जाता है, सैटेलाइट गैलेक्सीज। अब ये जो सैटेलाइट गैलेक्सीज होती हैं, ये हमारी होम गैलेक्सीज से जो है लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष के आसपास की दूरी पर स्थित होती हैं। या जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है ये बहुत अधिक दूरी है। और इन सैटेलाइट गैलेक्सीज में से मैं कुछ खास दो गैलेक्सीज की चर्चा करूंगा। एक तो आपको बता दूं कि क्लाउड नुमा, ये देखिए ये कुहरा नुमा, यह जो एक प्रकाशमान धब्बा सा दिख रहा है स्पॉट, इसे जो है इस तरह की गैलेक्सीज को, आकाशगंगाओं को जो कि हमारी गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है, इनको जो है मैगलियन क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। इनमें से जो कुछ आकार में बड़ी है, लार्ज है, उनको लार्ज मैगलियन क्लाउड, और जो स्मॉल है उनको स्मॉल मैगलियन क्लाउड के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह की गैलेक्सीज की खोज सबसे पहले किसने की, वास्तव में आपको बता दूं कि 15वीं सदी में एक पुर्तगाली यात्री, समुद्री यात्री और खगोल शास्त्री फर्डिनेंडो मैगलन जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जाता है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास आकाश में उसे इस तरह के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, मेघनुमा धब्बे जो धुधले प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। और उसने इस तरह के तमाम जो है मेघनुमा जो है गैलेक्सीज को देखा। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो मेघनुमा यानी क्लाउड शेप्ड जो कुहरा नुमा ये जो गैलेक्सीज होती हैं, ये हमें दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित भूभाग से ही आकाश में दिखाई देते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो क्लाउड नुमा जो गैलेक्सीज खोजी गई हैं खगोल शास्त्रियों द्वारा, इनको इस पुर्तगाली यात्री के नाम पर ही मैगलियन क्लाउड के नाम से जाना जाता है। बहुत अधिक संख्या में मैगलियन क्लाउड्स जो है ज्ञात हैं। इसमें से कुछ लार्ज होते हैं, कुछ इस माल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्वार्फ गैलेक्सीज की ओर ले जाऊंगा। ड्वार्फ गैलेक्सीज वास्तव में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अपनी जो होम गैलेक्सी है, इसकी उत्पत्ति, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्षणों से ही जुड़ी हुई है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बताई गई है, और हमारी जो होम गैलेक्सी की उत्पत्ति है वो लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी लगभग
हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ ही समय बाद जो है हमारी होम गैलेक्सी और अन्य बड़ी गैलेक्सीज का आकाशगंगाओं का जन्म होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ गैलेक्सी जो आकार में छोटी हैं, इनका जन्म भी हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ ही हुआ, लेकिन ये बड़ी गैलेक्सीज के रूप में ग्रो नहीं कर पाई, इनकी वृद्धि नहीं हो पाई। उन्हीं गैलेक्सीज को जो जिनकी आयु हमारे यूनिवर्स यानी हमारे ब्रह्मांड की आयु जितनी ही पुरानी है, उनको ड्वार्फ गैलेक्सीज कहते हैं। और बहुत अधिक संख्या में ड्वार्फ गैलेक्सीज जो है सैटेलाइट यानी उपग्रह की भांति हमारे होम गैलेक्सी यानी मिल्की वे का चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें से कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज को घोस्ट गैलेक्सीज मतलब भूतिया आकाश गंगाएं नाम दिया गया है। भूतिया इसलिए कि घोस्ट गैलेक्सीज ये बड़ी संख्या में हमारी गैलेक्सीज का चक्कर लगाते हैं, इनको जो है भूतिया आकाश गंगाएं भी नाम दिया गया है हिंदी में। इनको भूतिया आकाश गंगाएं क्यों कहा जाता है इसको हम जाने। वास्तव में जो ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं हमारे होम गैलेक्सी के बहिर्भाग में जो इसका उपग्रह की भांति चक्कर लगाते रहते हैं, इनमें से कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज जो है कुछ ऐसे स्थानों पर हैं जैसे लगता है कि ये अपने आप को एक छुपने वाली जगह पर ही अपने स्थान को बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये भूत प्रेत की तरह से जो है कुछ ऐसी जगहों पर ये स्थित हैं जिनको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इनको पहचाना नहीं जा सकता। तो हिडन प्लेसेज पर यानी ऐसे प्लेसेज पर स्थित ड्वार्फ गैलेक्सी जिनको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन काम है, उनको खगोल शास्त्रियों द्वारा घोस्ट गैलेक्सीज यानी भूतिया आकाश गंगाएं नाम दिया गया। इनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रमुख भूतिया आकाश गंगा या घोस्ट गैलेक्सी की मैं चर्चा करूंगा। यहां इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मैंने एक जो है धुंधले प्रकाश का एक धब्बा यहां पर मैंने दिखाया हुआ है या दिख रहा है। ये देखिए ये धुंधले प्रकाश का एक धब्बा, ये देखिए ये एक घोस्ट गैलेक्सी है, ड्वार्फ गैलेक्सी है यानी जिसकी आयु हमारे यूनिवर्स के आयु जितनी ही है। और इसमें जो स्थित तारे हैं, मैं आपको बता दूं कि ड्वार्फ गैलेक्सीज में तारों की संख्या 2-3 अरब से लेकर 10-12 अरब तक होती है। तो इसमें जो स्थित तारे हैं उन तारों की आयु हमारे यूनिवर्स की आयु जितनी ही पुरानी है, यानी ओल्डेस्ट स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स इन ड्वार्फ गैलेक्सीज में स्थित होते हैं। एक घोस्ट जो है गैलेक्सी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के एक स्पेस टेलीस्कोप जिसको गाया नाम दिया गया है, गाया यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजा गया इन द ईयर ऑफ 2013 वर्ष 2013 में। और उस सैटेलाइट में एक टेलीस्कोप लगा है जिसे गाया नाम दिया गया है। तो इस गाया द्वारा जो है वर्ष 2018 में एक घोस्ट गैलेक्सी को जो कि एक धुंधले प्रकाश नुमा स्पॉट के रूप में देखी गई, इसको एंटलिया 2 या एंटलिया 2 नाम दिया गया है। तो ध्यान दीजिए तमाम घोस्ट गैलेक्सीज हैं हमारी होम गैलेक्सीज का चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट गैलेक्सी के रूप में। इनमें से तमाम घोस्ट गैलेक्सीज में से जो सबसे इमेंस यानी ज्यादा प्रकाशमान जो घोस्ट गैलेक्सी है वह एंटलिया 2 या एंटलिया 2 है। और भी घोस्ट गैलेक्सीज हैं। तो घोस्ट गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होती हैं जो हमारी गैलेक्सीज के जो है
बहिर्भाग में यानी बाहरी भाग में कुछ ऐसे प्लेसेस पर ये स्थित हैं जैसे लगता है कि ये अपने आप को छिपाए हुए हैं, ये लुके हुए लगते हैं, ये लर्किंग गैलेक्सीज है, ऐसा लगता कि ये बहुत छुपने वाली जगहों पर हैं। तो छुपने वाली जगहों पर इनकी स्थिति को डिटेक्ट किए जाने के आधार पर ही इन गैलेक्सीज को घोस्ट यानी भूतिया गैलेक्सी नाम दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो घोस्ट गैलेक्सी है एंटलिया सेकेंड या एंटलिया टू, ये हमारी आकाश गंगा के बाहरी छोर जो किनारा है, हमारी गैलेक्सी का जो छोर है उस छोर से लगभग 130,000 प्रकाश वर्ष के आसपास की दूरी पर स्थित है। और ये जो लार्ज मैगलियन क्लाउड है जो एक मेघनुमा आकाश गंगा है, इस तरह की तमाम आकाश गंगाएं हैं, वो हमारे गैलेक्सी के छोर से लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित पाया गया है। और जो स्मॉल मैगलियन क्लाउड हैं, गैलेक्सीज हैं, वो लगभग 200,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित पाए गए और इनकी संख्या बड़ी है। तो इन गैलेक्सीज को जो हमारी अपनी गैलेक्सी का निरंतर सैटेलाइट की तरह उपग्रह की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, इनको सैटेलाइट गैलेक्सी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी होम गैलेक्सी की जो ओरायन भुजा है, ये देखिए ओरायन भुजा, इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है यानी हमारी पृथ्वी स्थित है। तो इस पृथ्वी से सबसे नजदीक जो अन्य वास्तविक गैलेक्सी है, वास्तविक गैलेक्सी वास्तव में बड़ी गैलेक्सी होती है जिनका अपना एक तंत्र होता है जिसमें अरबों की संख्या में, न्यूनतम 100 अरब की संख्या में तारे तमाम स्थितियों को लिए रहते हैं, इनको वास्तविक गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी जो है छोटी गैलेक्सीज हैं जिनको ड्वार्फ गैलेक्सीज कहते हैं। तो वास्तविक गैलेक्सी वो होती है जिसका व्यास 80 से लेकर 100 प्रकाश वर्ष के आसपास हो, जिसमें 80 से लेकर 100 अरब तक न्यूनतम तारों की संख्या हो, 100 अरब से भी अधिक, उनको वास्तविक गैलेक्सी कहते हैं। तो हम एक वास्तविक गैलेक्सी में है, मिल्की वे में, और मिल्की वे की ओरायन भुजा में है, और इसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी से जो सबसे निकट की अन्य जो वास्तविक गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, वो है एंड्रोमेडा। ये देखिए ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और ये आप देख सकते हैं ये जो है हमारे ओरायन भुजा यानी मिल्की वे की वो भुजा जिसे ओरायन भुजा कहते हैं, उस ओरायन भुजा का एक हिस्सा यहां प्रदर्शित है, और इसी में हमारा सौर मंडल स्थित है, और यानी हमारी पृथ्वी स्थित है। और इस पृथ्वी से जो सबसे निकट की अन्य गैलेक्सी है, क्योंकि पृथ्वी तो मिल्की वे का हिस्सा है, तो पृथ्वी से निकट जो अन्य गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इसको याद रखिएगा, एंड्रोमेडा। और यह पृथ्वी से लगभग जो है 25,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी ये जो तमाम ड्वार्फ गैलेक्सीज है, सैटेलाइट गैलेक्सीज, जो हमारी अपनी गैलेक्सी का ये सैटेलाइट की तरह उपग्रह की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो हमारी गैलेक्सी से इनकी तुलना में यानी एंड्रोमेडा की तुलना में बहुत नजदीक स्थित है। लेकिन एंड्रोमेडा जो है 25,00,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।